हेलो बच्चों, मैं हूं कौशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारी के क्लासेस से। तो आज हम करने वाले हैं आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो ये आपकी यूनिट है रिप्रोडक्शन और उसका फर्स्ट चैप्टर हम आज करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों आपको कुछ जो है माइनर सी चीजें पता होनी चाहिए कि लाइफ स्पैन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये आपके जो प्रीवियस ईयर आपकी एनसीईआरटी थी उसमें दिया था लेकिन अभी नहीं है, बट आपने थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही मिनिमल सी चीजें हैं जो हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लाइफ स्पैन क्या है बच्चों? लाइफ स्पैन है कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पैदा होता है और जब उसकी नेचुरल डेथ होती है उस तक का जो उसका सफर है वो उसे हम क्या कहेंगे? लाइफ स्पैन कहेंगे। मतलब कि जब वो पैदा हो रहा है और जब उसकी नेचुरल डेथ हो रही है, ठीक है, किसी एक्सटर्नल डेथ की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से डेथ नहीं हो रही है, नेचुरल डेथ हो रही है, तो उस पीरियड को हम क्या कहेंगे? लाइफ स्पैन कहेंगे। ठीक है, और ये जो लाइफ स्पैन है ना बच्चों, ये बहुत वेरी करता है। किसी का तो आधे घंटे का भी नहीं होता है और कोई तो ऐसा है कि वो 400 सालों से भी ज्यादा जीता है। ठीक है, तो ये काफी वेरी करता है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे? लाइफ स्पैन शो करेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है तो उसका मरना निश्चित है, वो इमोर्टल नहीं है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्टल। ठीक है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है। कौन सी? जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होंगे हमारे? वो होंगे इमोर्टल, मतलब कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। अगर वो पैदा हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो मरेंगे भी, मरते हैं लेकिन उनका मरने का जो फैक्टर है वो एक्सटर्नल होता है, मतलब कि कोई और अगर उन्हें हार्म करेगा तब वो मरेंगे, ऐसे वो नहीं मरते हैं, वो कई सालों तक जो है जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपका करने वाले हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये चीजें ये थोड़ी सी आपको लाइफ स्पैन दी है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि बैक्टीरिया है उसका तो देखो आप आधा घंटा, एक दिन भी नहीं है, एक घंटा भी पूरा नहीं है। ठीक है, मे फ्लाई वन डे, कितना शॉर्ट लाइफ स्पैन है। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, फिर ड्रॉसोफिला 1 मंथ है ना, फिर राइस जो है आपका वो 3 से 4 मंथ, फिर जो वीट है 5 मंथ, रैट का 4 साल, क्रो का 15 साल, पैरेट का देखो आप, पैरेट का हमसे भी ज्यादा है। हमारी कितनी एवरेज लाइफ होती है? 70 to 100, ठीक है, इतनी होती है, कोई कोई तो उससे भी ज्यादा जो है जी लेते हैं लेकिन एवरेज लाइफ हमारी इतनी होती है। और इनकी कितनी है? 140 इयर्स, कितनी ज्यादा है। ठीक है, फिर आया हमारा ईगल 90 इयर्स, काउ 18 to 25 इयर्स, क्रोकोडाइल 60 इयर्स, हॉर्स 20 to 35 इयर्स, जो डॉग है उनका भी 20 to 30 इयर्स। ठीक है, टॉर्टॉइस को देखो आप 150 साल, 100 से 150 साल इनका एवरेज लाइफ है। ठीक है, फिर जो रोज प्लांट है वो 5 से 7 साल का उनका लाइफ स्पैन है। ठीक है, चलो तो बच्चों आज हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो इतना बताना चाहिए कि रिप्रोडक्शन है क्या। एंड आई गेस आपको पता ही होगा कि जो रिप्रोडक्शन होती क्या है, लेकिन फिर भी जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा करता है। ठीक है, अब हमें पता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, जब कोई किसी यंग वन को पैदा करता है, ठीक है, सिमिलर जो है, ठीक है, जैसे स्पीशीज जो है वो अपने जैसा ही एक क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म पैदा करेगा, है ना। लेकिन क्या जरूरत है हमें रिप्रोडक्शन की, है क्यों करते हैं? देखो, हम अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इस अर्थ पर सारी लाइफ खत्म हो जाएगी, सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। मतलब कि अब देखो अगर हमारा एवरेज लाइफ 80 इयर्स है, 70 इयर्स है, तो उसके बाद क्या होगा? अगर सबका जो है स्पीशीज, ह्यूमन स्पीशीज जो है, अगर उसका 80 ईयर के बाद रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारी जो स्पीशीज है वो कंटिन्यू होती है। ठीक है, हम पीढ़ी बोलते हैं ना कि हमारे दादा हो गए, पापा हो गए, हम हो गए, फिर हमारे बच्चे होंगे, तो वो क्या है, एक जनरेशन चल रही है। वो क्यों है? ताकि हमारी जो, हमारा जो वजूद है वो बना रहे, ठीक है, अर्थ पर। ओके, और दूसरी चीज ये कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वैरायटी नहीं रहेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए हम फूड वेब देखते हैं या फूड चेन देखते हैं हम, ठीक है, उसमें क्या है, जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रोड्यूसर नहीं रहेगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा और नए नहीं बनेंगे तो वो क्या होगा, क्या होगा उसका, वो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो फिर घास कहाँ से आएगा? फिर जो हमारे हर्बीवोरस है वो क्या खाएंगे? अगर हर्बीवोरस नहीं रहे तो फिर हमारे जो कार्निवोरस है वो क्या करेंगे? तो लाइफ मेंटेन करने के लिए, सिस्टम मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे कुछ कॉमन मैंने आपको बताया कि इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, है ना, मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ, क्रिएट्स वेरिएशन अमंग पॉपुलेशन। ठीक है, ओके, तो जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एक ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेशन में अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उससे हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होंगे? एंजियोस्पर्म्स होंगे आपके। ठीक है, जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं वो क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे? जो उनका फ्लावर है वो क्या है आपका, वो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है।
ठीक है, वहां से क्या होगा, रिप्रोडक्शन शो होगा, ठीक है। तो उस तरह से हर एक फ्लावर मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट है वो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि फ्लावर जो हमारा ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो है क्या उसमें, ऐसी चीजें क्या है, ये आपने देखी भी होगी, बड़ी बड़ी बार देखा होगा आपने, बड़ी बार पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो कौन कौन से है देखो, यहाँ पर हर एक पार्ट जो है कोई ना कोई जो है अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो अपना है वो दे रहा है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहली चीज आपको जो दिख रही है, ठीक है, पहली जो चीज आपको दिख रही है ये दिख रही है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका फीमेल पार्ट है, कौन सा, इसमें आएगा आपको ओवरी आएगा, स्टाइल आएगा एंड स्टिग्मा आएगा, ठीक है। जब ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा जो है मिलकर क्या बनाते हैं, आपका कार्पेल बनाते हैं, जो कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, क्या है, पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। उसके बाद मेल कौन सा होगा, जो ये दिख रहा है आपको, फिलामेंट एंड एंथर जो है आपका क्या बनाते हैं, फिलामेंट एंड एंथर बनाएंगे आपका स्टेमन, जो कि आपका मेल पार्ट है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो दो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की वजह से हमारा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा होगा, सेपल्स भी दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक थैलेमस होता है, ठीक है, सॉरी थैलस होता है, ठीक है। थैलस क्या है, हर एक चीज जो है यहाँ पर जुड़ी हुई है, ठीक है। एंथर का, एंथर एंड फिलामेंट जो है जुड़े हैं, तो फिलामेंट का जो एंड है वो कहाँ पर है, हवा में तो नहीं है ना, तो उनको जो है पकड़ के रखता है कौन, थैलेमस, थैलस, सॉरी, ठीक है, थैलस। और यहाँ पर ओवरी भी यहीं पर है, ठीक है। और जो पेटल्स है वो क्या करेंगे, जो इंसेक्ट है उनको अट्रैक्ट करेंगे ताकि पोलिनेशन हो, ठीक है। तो हर एक पार्ट जो है फ्लावर का वो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन हमारा मेन जो है आज हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। चलो इतना पता लग गया आपको। नेक्स्ट आपको यही दिया है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, हम पहले पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन तो हो रही है, पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, ठीक है, ओवरी में जाएगा, ठीक है। तो वहां पर क्या है, वो फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है, लेकिन कैसे करेगा, वो पोलन ग्रेन कैसे बना, किसमें बना, ठीक है, एंथर कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है, वो सब हम क्या करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन में देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर और इवेंट्स कैसे बन रहा है, ठीक है, वो सब इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहली चीज जो है, जब प्लांट का जो फ्लावर है वो कैसे बनेगा, पहले कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंसेस होगी, जिसमें क्या है, जिसमें फ्लावरिंग बड बनेगा, जिससे क्या बनेगा आपका फ्लावर बनेगा, है ना। उसके बाद हमारा जो है, इसमें ये बताया गया है कि जो मेल पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम कहते हैं मेल पार्ट को। तो ये कौन सा आ गया आपका, स्टेमन, ठीक है। कॉमनली कैसे, क्या कहा जाता है इनको, स्टेमन कहा जाता है, साइंटिफिकली क्या कहा जाता है, एंड्रोशियम कहा जाता है, ठीक है। गाइनेशियम है उसे हम क्या कहेंगे, कार्पेल, है ना, कार्पेल जो है उसे हम साइंटिफिकली क्या कहेंगे, गाइनेशियम कहेंगे, मतलब कि ये फीमेल पार्ट है और ये आपका मेल पार्ट है, ठीक है। यहां पर कहा गया है कि जो एंड्रोशियम है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा मेल को, और गाइनेशियम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका फीमेल को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज हम आपको ये पढ़ाएंगे बच्चों, स्टेमन, माइक्रो स्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, जो कि आपका क्या है, मेल पार्ट है। आज हम मेल पार्ट पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेमन क्या है, हमने पीछे भी देखा, स्टेमन क्या है, पूरा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल का, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, स्टेमन कहेंगे। और स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है आपका एंथर और दूसरा है आपका फिलामेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये क्या है आपका, फिलामेंट है, इसको और क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका, एंथर है, जो कि कैसा है, बाइलॉब्ड है, दो लॉब इसके ऊपर है, स्वॉलन पार्ट है, देखा ही आपने एंथर कैसा होता है, स्वॉलन पार्ट है और बाइलॉब्ड है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है। तो एंथर और स्टेमन जो है, सॉरी, एंथर और फिलामेंट जो है वो किससे जुड़े हैं, एक कनेक्टिव होता है जिसकी वजह से ये जुड़े होते हैं, ठीक है, ओके। ये आपका क्या आ गया, एंथर और स्टेमन आ गया, ठीक है। अब एंथर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डायथिकस, क्या कहेंगे, डायथिकस। डायथिकस का मतलब है कि वो कैसे होंगे, एक लोब को हम क्या कहते हैं, थीका कहते हैं, ठीक है, दूसरे को भी हम क्या कहेंगे, थीका कहेंगे, ठीक है। जो लोब शब्द है उसे हम क्या कहते हैं, थीका कहते हैं, ठीक है। तो हर एक एंथर के पास कितने लोब होते हैं, दो लोब होंगे, इसका मतलब कितने थीका हो गए, हमारे पास दो थीका हो गए। तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे, दोनों को मिलाकर डायथिकस, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बनाएंगे, डायथिकस, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आपको कितने यहां पर थीका दिख रहे हैं, एक वन एंड दूसरा पीछे जो है वो
दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, डायथिकस हो गए, ठीक है। एक जो है मोनोथिकस भी होते हैं एंजियोस्पर्म, लेकिन बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। मोस्टली कैसे होंगे, डायथिकस होंगे, ठीक है। चलो तो ये हमें पता लग गया। अब है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, मतलब कि एंथर को कैसे काटा गया है, बीच से काटा गया है, और बीच को, बीच से काटने के बाद हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। यहां पर क्या है, आपको दिख रहा है कि टू लोब है, ठीक है। यहां पर आपको कुछ कंपार्टमेंट दिख रहे होंगे, है ना। कितने कंपार्टमेंट है, 1, 2, 3 एंड 4, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, यहां पर आपके क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, जहां पर आपके क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। स्पोरेंजिया होता है जहां पर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। माइक्रोस्पोर्स का मतलब है, जब भी माइक्रोस्पोर आएगा उसका मतलब वहां पर क्या होगा, मेल स्पोर होगा, ठीक है। मेगा आएगा तो वहां पर क्या होगा, फीमेल स्पोर होगा, ठीक है। इतना सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक जो है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। अब हमने जो है एंथर समझ लिया, फिलामेंट देख लिया, पूरा स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम थोड़ा अंदर का देखते हैं कि अंदर का कैसा है, ठीक है। यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है, किसका, मैच्योर एंथर का, ठीक है। एंथर का ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। यहां पर आपको चार जो है कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये क्या है, आपके माइक्रो स्पोरेंजिया है, ठीक है, जहां पर पोलन ग्रेन्स बनेंगे आपके, ठीक है। अब यहां पर देखो आपको कुछ ये भी दिख रहा है, ये क्या है, ये वही कनेक्टिव है जिसकी वजह से एंथर और फिलामेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो आपकी आउटर लेयर है ये कौन सी है, एपिडर्मिस है, ठीक है। इसके बाद कौन सी आएगी, एंडोथीशियम आएगी। फिर उसके बाद कौन सी आएगी, आपकी मिडल लेयर आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आएगा एपिटम आएगा, ठीक है, एपिटम आएगा। उसके बाद क्या है हमारा, स्पोरोजीनस टिश्यू, जो कि आपका स्पोर्स बना रहा है, ठीक है। अब इतना आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपने इतना सा ध्यान रखना है कि एक एंथर में क्या क्या होता है, क्या क्या आएगा एंथर में, एंथर में पहला आएगा आपका, सबसे आउटर लेयर है वो कौन सी है, आपकी एपिडर्मिस, ठीक है। फिर कौन सा आएगा आपका, एंडोथीशियम, ठीक है। फिर आपकी आ रही है मिडल लेयर, ठीक है। फिर आपका क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन सी लेयर आ रही है, टेपिटम, ठीक है। टेपिटम जो है आपकी लेयर आ रही है, ये आपकी सारी लेयर आ गई। इसके बाद आपका क्या आएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, स्पोरोजीनस, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। और साथ में क्या है आपका, कनेक्टिव है, ठीक है। तो एक जो है कुछ चीजें आपके एंथर में आएंगी, ठीक है। अब इसका हम क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक शेप ले लो आप, ठीक है। ये आपका सर्कल आ गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये क्या आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, जैसा आपसे बनता है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जितना आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे उतने अच्छे से आपको क्या होगा, ये अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। सबसे पहले आपकी आएगी कौन सी, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस आएगी, आउटर लेयर होती है ये, हमारे अंदर भी है ये लेयर, ठीक है। पूरी नहीं बनानी है, ठीक है, यहां तक ठीक है, यहीं तक ठीक है, यहीं से हम समझ लेंगे इसको, ठीक है, ओके। ये आपकी कौन सी आ गई, एपिडर्मिस, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट कौन सी लेयर है, नेक्स्ट आपकी है एंडोथीशियम, जो कि थोड़ी सी कैसी होगी, थिक होगी एंड बड़ी होगी। ये थिक क्यों होती है बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर थिकनिंग होती है, किसकी, कैलोस की थिकनिंग होती है। वो ऐसी थिकनिंग है जिसकी वजह से ये कब हेल्प करेगा, जब एंथर जो है रप्चर करेगा, ठीक है। एंथर में एक डेहिसेंस लाइन होती है, वहां से वो क्या करेगा, रप्चर करता है ताकि पोलन ग्रेन्स पोलिनेशन कर सके, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जितना भी एंथर का पानी है वो टेपिट, जो आपकी एंडोथीशियम है वो क्या करेगी, सोख लेगी, किसकी हेल्प से, कैलोस की हेल्प से, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा एंथर का और वो रप्चर कर जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी लेयर है आपकी, एंडोथीशियम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लेयर, यहीं से क्या होगा, आपका पोलन ग्रेन बाहर जाएगा, इसी से, इसी की हेल्प से, जब
आपका एंथर रप्चर करेगा। कौन सी वो है इसमें? कैलोज, ठीक है, कैलोज इसमें एक थिकनिंग होती है, ये आपका सेकेंड लेयर आ गया। अब इसके बाद है आपकी कौन सी लेयर, ठीक है, इसके बाद आपकी लेयर आएगी कौन सी, मिडल लेयर, ठीक है। मिडल लेयर कुछ खास नहीं है, बस ये क्या है, या तो एक भी हो सकती है या फिर दो भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। या तो एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है, ठीक है। कौन सी लेयर है ये आपकी? मिडल लेयर है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी जो लेयर आएगी वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी एपिटम, ठीक है। ठीक है, ये आपकी कौन सी लेयर है? एपिटम, ठीक है, ठीक है। अब ये जो लेयर है ना बच्चों, इसके अंदर या तो दो न्यूक्लियस हो सकता है या फिर दो से ज्यादा हो सकता है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइड, ठीक है। पॉलीप्लॉइड का मतलब है जब क्या है, एक से या एक से ज्यादा जो है न्यूक्लियस उसके अंदर होंगे, ठीक है। ठीक है, ये आपकी आपकी कौन सी आ गई? टेपिटम आ गई, और इसको हम क्या कह सकते हैं? पॉलीप्लॉइड, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो सकती है। अब इसके बाद आपकी कौन सी आएगी? अब इसके बाद आएगा आपका माइक्रोस्पोरेंजिया, फिर या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? स्पोरोजीनस, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। इसी के अंदर क्या बनेंगे आपके जितने भी पोलन ग्रेन से इसके अंदर बनेंगे, ठीक है। ये आपने देख लेनी है, नीति परफेक्ट नहीं बनी है लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। तो चलो, लग गया आपको पता स्ट्रक्चर, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पता लग गया आपको। अब हम वापस चलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आ गया, फिर हम फिर से समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहली जो आउटर लेयर आपकी कौन सी आ गई, ठीक है, ये वाली लेयर कौन सी है आपकी? एपिडर्मिस, ठीक है। अब इसके बाद हमारी कौन सी आएगी? ये वाली लेयर, इसको हम क्या कहेंगे? इस लेयर को हम क्या कहेंगे? एंडोथीशियम, ठीक है। ये एक लेयर आ गई, फिर जो हमने देखी थी कि मिडल लेयर है वो एक या एक से ज्यादा भी आ सकती है, तो ये आपकी कौन सी आ गई? मिडल लेयर आ गई, ठीक है, मिडल लेयर आ गई, ठीक है। एंडोथीशियम में क्या है? एंडोथीशियम में कौन सा मटेरियल होता है? कैलोज होता है, कैलोज की थिकनिंग होती है, जो किसमें हेल्प करेगी? आपकी एंथर की रप्चरिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कौन सा? इसके बाद हमारा आता है टेपिटम, ठीक है। टेपिटम क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर एक या दो या तीन भी क्या हो सकते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। ये आपका टेपिटम आ गया। इसके बाद आपका क्या आया? इसके बाद आया माइक्रोस्पोर्स, मदर सेल, स्पोरोजीनस आएंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यूज आएंगे। तो ये आपका कौन सा आ गया? स्पोरोजीनस टिश्यूज आ गया, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लो, ये कौन सी है? एपिडर्मिस, ये आपकी एंडोथीशियम, ये आपकी मिडल लेयर, ठीक है, ये आपका टेपिटम, फिर आपका आपका क्या आ गया? स्पोरोजीनस टिश्यू आ गया। इधर तक आपको समझ आ गया, ठीक है। यहाँ देखो, जो आपकी लाइन ऑफ डिहिसेंस है वो कहाँ है? यहां पर है, ठीक है। इस जगह पर क्या होंगी ये क्या करेंगे? यहां से एंथर जो है रप्चर हो जाएगा, पर यहां पर क्या है? यहां पर कैलोज जो है प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि यहां पर एंडोथीशियम जो है प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर यहां पर कैलोज प्रेजेंट होगा तो ये फिर कैसे फटेगा? फिर जो पानी अगर अपनी तरफ जो है कैलोज खींच रहा है, तो जब वो खींचेगा तो जहां पर पानी था वो क्या करेगा? डिहाइड्रेट कर जाएगा, है ना, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगी? उसमें वो क्या करना शुरू हो जाएगा, मतलब कि अलग होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका कैलोज प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, इतना लग गया पता आपको, ठीक है। अब हम इसके टर्म्स में देख लेते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होती है? चार वॉल्स होती हैं, कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। अब क्या है, जो तीन लेयर है उनके फंक्शन भी बताए गए हैं, फंक्शन भी देख लेते हैं। फंक्शन क्या है बच्चों? जो आपकी तीन लेयर है कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, वो क्या करेंगी? आपकी प्रोटेक्शन देगी,
प्रोटेक्शन देगी, ठीक है, और किस में हेल्प करती हैं, डेहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है, और हेल्प करेंगी मतलब कि एंथर को रप्चर करने में हेल्प करेगी, ठीक है, तीन लेयर का ये काम है। अब जो टेपेटम है वो क्या करता है आपका, नरिशमेंट देता है, ठीक है, नरिशमेंट देती है किसको, पोलन ग्रेन्स को जो अभी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, नरिशमेंट इसका फंक्शन है। ठीक है, नरिशमेंट देती है किसको, अपने जो भी डेवलप हो रहे पोलन ग्रेन्स को, ठीक है, ये इनर मोस्ट लेयर है जो कि नरिश करती है किसको, पोलन ग्रेन को, ठीक है। सेल ऑफ द टेपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, जहां पर भी बच्चों डेंस साइटोप्लाज्म है उसका मतलब वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, जिसको जिस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइड, ठीक है, मैंने बताया ना पीछे कि इनके पास जो है तीन न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। फिर क्या है, व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनियस टिश्यू ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, वो क्या है आपके पोलन ग्रेन्स बना रहे हैं, ठीक है, इतना लग गया आपको पता, स्ट्रक्चर पता लग गया, फंक्शन पता लग गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोथीशियम सेल हैव थिकनिंग ऑफ कैलोस, ठीक है, विच हेल्प्स इन रप्चर ऑफ एंथर, ठीक है। अब आपका आ गया हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि जब क्या करेंगे ये स्पोर्स बनाएंगे, कैसे, डिवीजन की हेल्प से, माइटोटिक डिवीजन जब होगी तो उसकी हेल्प से क्या बनेंगे हमारे पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। कैसे बनते हैं पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपका एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है, इसके हेल्प से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होंगी, मतलब कि हमारे पोलन ग्रेन्स कैसे बनेंगे, ठीक है। पहले देखो जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, ठीक है, उसमें क्या होगा, वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, माइटोसिस होगा, ठीक है, माइटोसिस होगा यहाँ पर, उसकी वजह से क्या होगा, पोलन मदर सेल बनेंगे, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पीएमसी, और ये कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू भी कैसे है, डिप्लॉयड है, और आपके जो पीएमसी है पोलन मदर सेल्स हैं वो भी कैसे होंगे, आपके डिप्लॉयड होंगे, इसको और क्या कहेंगे हम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब क्या है, जब मदर सेल्स बन गए हैं, ठीक है, अब यहाँ पर मियोसिस होगा, ठीक है, डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस में कितने सेल्स बनते हैं, चार बनते हैं ना, ठीक है, चार बनेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है, यहाँ पर आपके जो है पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्या है, जुड़े हुए हैं, चार जो है एक साथ जुड़े हुए हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, टेट्राड कहेंगे, ठीक है। ये देखो चार आपके माइक्रोस्पोर हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है जुड़े हुए हैं, किसकी हेल्प से, कैलोस की हेल्प से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, कैसे अलग करेंगे, जब कैलोस को अगर हमने निकालना है तो यहाँ पर एक एंजाइम आती है जिसका नाम है कैलेज, ठीक है, कैलेज क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक जो है आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये कुछ नोकीली सी चीज है, ये क्या है, ये आपके स्पोरोपोलिनिन है, ठीक है, ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से हर एक कंडीशन में ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही मतलब कि मजबूत होता है ये जो मटेरियल है, ठीक है। इस मटेरियल को आज तक भी हम जो है वो नहीं कर पाए हैं, ब्रेक नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है ताकि हमारा जो पोलन ग्रेन है वो सुरक्षित रहे, ठीक है, हर एक कंडीशन में सुरक्षित रहे, ठीक है। तो ये किससे बना है, स्पोरोपोलिनिन से बना है ये मटेरियल, ठीक है। तो आपने देखा पहले हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू था, पीछे भी हमने देखा, अब वो क्या करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा, ठीक है, माइटोसिस होगी, तो यहाँ पर क्या है, पोलन मदर सेल्स बनेंगे, ठीक है, जो कि आपके डिप्लॉयड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मियोसिस होगी, मियोसिस की वजह से हमारे चार हमारे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है, जो कि अभी जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। फिर जब डिहाइड्रेशन होगी, कैलेज एंजाइम आएगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, फिर हमारा क्या बन जाएगा, एक पोलन ग्रेन बन जाएगा, ठीक है, ओके, इतना पता लग गया आपको। अब हम ऊपर देखते हैं, ये स्टेप्स हैं उसके। एज द एंथर डेवलप्स द सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू
अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब कि हर एक जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो कितने वो बनाएंगे, चार हमारे पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर बनाएंगे कितने, चार, ठीक है, टेट्राड बनाएंगे, ठीक है। टेट्रा का मतलब क्या होता है, चार होता है। ईच वन ऑफ द पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन ग्रेन पोलन मदर सेल पीएमसी थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेस, मतलब कि जो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर पोलन मदर सेल जो है वो क्या करेंगी, मियोसिस की वजह से आपके माइक्रोस्पोर बनाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ सेल्स द माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब कि किसमें होंगे ये, कैसे होंगे, क्या होगा, यहां पर माइक्रोस्पोर बनेगा, ठीक है, जो कि एक क्लस्टर में अरेंज होंगे, ठीक है, क्लस्टर में अरेंज होंगे, मतलब कि जुड़े हुए होंगे, ठीक है, चार सेल्स बनेंगे। एज द एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, मतलब कि जो एथर है मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जितने भी टेट्राड थे वो अलग हो जाएंगे और एक एक क्या बन जाएंगे, हमारे पास पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, ठीक है। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज विद 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 द डिस्टेंस ऑफ एंथर, ठीक है। मतलब कि एक एक मतलब एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने बनते हैं, हजारों जो है पोलन ग्रेन्स बनते हैं और वो कब रिलीज होंगे, जब आपका एंथर रप्चर होगा, ठीक है। इतना लग गया आपको पता, ये भी आपको लग गया पता। अब हम देखेंगे पोलन ग्रेन, ठीक है, अब हमारे पास पोलन ग्रेन बन गया, ठीक है। अब हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर द जनरली स्पेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है, 20 से 25 माइक्रोमीटर क्या होता है इनका डायमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो आप, ठीक है। अब ये क्या है, एक पोलन ग्रेन है, ठीक है। यहाँ पर आपकी दो लेयर होती है, इंटाइन एंड एक्साइन, ठीक है। एक्साइन कौन सी है, ये वाली लेयर, ठीक है। ये लेयर आपको किसकी तरह लग रही है, स्पोरोपोलिन की तरह लग रही है ना, तो ये किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से बनी होती है, ठीक है। ये क्या करेगा आपका, इस जो जितना भी स्ट्रक्चर है इसको सेफ रखेगा, ठीक है। ये आपका कौन सा लेयर है, एक्साइन है, और इसके अंदर एक छोटी सी और लेयर होती है, ये वाली, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो सेल हैं बच्चों, यहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल है और एक जेनरेटिव सेल है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक स्ट्रक्चर है पोलन का। अब आप देखोगे कि अगर ये इतना ज्यादा स्ट्रोंग है, ठीक है, तो ये फिर जर्मिनेशन कैसे करेगा, पोलन ट्यूब कैसे बनाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़े से क्या दिखेंगे, जर्म पोल दिखेंगे, जहां से आपका क्या निकलेगा, आपका पोलन ट्यूब निकलेगा, ठीक है। यहां से आपका क्या निकलेगा, पोलन ट्यूब निकलेगा, ठीक है। ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और ये आपका क्या है, जेनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपका कैसा आ गया, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आ गया। तो यहां से आपको जो वो दिख रहा है ना, जर्म पोर दिख रहा है, यहां से क्या होगी आपकी, वो निकलेंगी जर्म ट्यूब, सॉरी पोलन ट्यूब निकलेगी, ठीक है। यहां पर क्या है आपका, जो स्पोरोपोलिनिन की डिपोजिशन नहीं होती है, ठीक है, यहां पर आपकी स्पोरोपोलिनिन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह ये जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर बताया गया है कि साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है इनका साइटोप्लाज्म। अ पोलन ग्रेन हैज टू लेयर्ड वॉल, कौन कौन सी, एक्साइन एंड इंटाइन, ठीक है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, हमने पढ़ा इसके बारे में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये हेल्प करती है किसमें, जब स्पोरोपोलिन है वो हाई टेम्परेचर में भी क्या करेगा, जो आपका पोलन ग्रेन है उसे प्रोटेक्ट करेगा, या फिर एसिड से भी जो इसको प्रोटेक्ट करेगा, या फिर एल्कलाई से भी इसको प्रोटेक्ट करेगा, कितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है देखो फिर, ठीक है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज फार नोन, मतलब कि ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी है, ऐसी कोई भी एंजाइम नहीं बनी है जो कि इस चीज को डिग्रेड कर पाए, ठीक है, इसको अलग कर पाए, ओके, ठीक है। अब यहां पर हमें पता लग गया कि पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जंप पोर, जहां पर आपका स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है वहीं से आपकी क्या बनेगी, पोलन ट्यूब निकलेगी, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन, इट इज अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये बहुत ही नॉर्मल चीजों से बनी है, किससे, सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी है, ठीक है, सेलुलोज एंड पेक्टिन से हमारा क्या बना है, इंटाइन बनी है, ठीक है। और एक्साइन देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है,
When the pollen grain is mature, it contains two cell. ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे कि जो हमारी गैमेटोफाइट है, मतलब कि हमारा जो पोलन ग्रेन है वो मैच्योर होगा तो उसका डेवलपमेंट कैसा होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले एक पोलन ग्रेन बना लो। ठीक है, ये आपका पोलन ग्रेन आ गया, ये आपका न्यूक्लियस आ गया पोलन ग्रेन का। ठीक है, अब ये जो है डिवाइड करेगा। ठीक है, डिवाइड करेगा तो कैसे करेगा, माइटोसिस होगी। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, आपके दो सेल बनते हैं, दो सेल बनेंगे तो इसका मतलब है कि वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें डिवीजन हो रही है लेकिन जो दो सेल है वो एक दूसरे के अंदर है, मतलब कि जो बड़ा सेल है उसी के साइटोप्लाज्म में आपका छोटा सेल जो है जनरेटिव सेल है वो तैरता रहेगा। ठीक है, कैसे देखो। ठीक है, तो ये आपका डिवीजन हो गया, डिवीजन के बाद आपके दो सेल बने। ठीक है, ये जो बड़ा सेल है ये कौन सा है, आपका वेजिटेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये यहां पर क्या कौन सा होगा, आपका कौन सा सेल है, आपका जनरेटिव जनरेटिव सेल। ठीक है, तो ये क्या है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, ये अलग तो हो गया, मतलब कि इनकी डिवीजन तो हो गई है, दो सेल बन गए लेकिन पूरी तरह से ये डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये किसके अंदर रह रहा है, जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर तैर रहा है। ठीक है, अब ये कौन सी स्टेज होगी हमारी, टू सेल स्टेज। ठीक है, और ये जो बच्चों टू सेल स्टेज है इसमें क्या है, हमारे 60% जो एंजियोस्पर्म्स है वो पॉलिनेशन कर देते हैं। ठीक है, इसके मतलब है कि इस स्टेज पर अब पोलन ग्रेन रेडी है और वो क्या करेगा, पोलिनेशन करेगा। ठीक है, लेकिन 40% में क्या होता है कि थ्री सेल स्टेज में वो पोलिनेशन शो करते हैं। कैसे, अब ये जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, जनरेटिव सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, फिर से माइटोसिस होगा, माइटोसिस की वजह से ये जो जेनेटिव सेल है यहां पर क्या बन जाएंगे, दो स्पर्म सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां क्या होगा, दो हमारे क्या बने, स्पर्म सेल बने। ठीक है, दो स्पर्म बन गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक तो बचा है वेजिटेटिव है, वन वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और ये क्या बनाएंगे, आपके थ्री सेल स्टेज। ठीक है, थ्री सेल स्टेज, और 40% जो एंजियोस्पर्म है वो आपके इस टाइम पर क्या करेंगे, पोलिनेशन शो करेंगे, और यहां पर आपका क्या होगा, 60% होगा। ठीक है, 60% एंजियोस्पर्म जो है आपके शो पोलिनेशन। ठीक है, 60% यहाँ हो जाएंगे और जो बचे 40% है वो थ्री सेल स्टेज में अपना पोलिनेशन करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जर्मिनेशन कर ले, सॉरी पोलिनेशन कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, मतलब कि ये जो वेजिटेटिव सेल है इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या करेगा, यहां से क्या बनेगा हमारा, पहले तो हमारा पोलन ट्यूब बनेगा। ठीक है, और साथ में ये क्या करता है, नरिशमेंट करता है और फूड जो है प्रोवाइड करेगा किसको, जनरेटिव सेल को। ठीक है, जनरेटिव सेल को ये क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, हमने पढ़ा। ठीक है, इट इज अ स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, मैंने बताया था ना कि जो डेंस साइटोप्लाज्म है वहां पर क्या होगा, आपका डिवीजन होगा। ठीक है, और एक इनके पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यही है इसकी इसकी कहानी यही है, इतनी ही है। ठीक है, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट द टू सेल स्टेज, देखा ना हमने। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं 50% वो के कहां कब शो करते हैं, जब थ्री सेल स्टेज होगा, मतलब कि स्पर्म सेल हमारे बन जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, टू मेल गैमेट्स बन जाएंगे, उसके बाद पोलिनेशन होगा। ठीक है, लग गया आपको पता। ओके, अब बच्चों पोलन ग्रेन्स है उनमें ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जो कि आपके अंदर एलर्जीज कॉज करती हैं। ठीक है, जैसे कि हम जब एलर्जी हमें पोलन ग्रेन से हो जाती है तो हम छींकना शुरू कर देते हैं, या फिर हमें एस्थमा अटैक आ जाता है। ठीक है, या फिर ब्रोंकाइटिस हो जाता है, तो वो क्या है, एलर्जीज कॉज हुई है किसी किसकी वजह से, पोलन ग्रेन की वजह से। ठीक है, अब एक आपको यहाँ पे टर्म दी गई है, पार्थीनियम। ठीक है, ये क्या था, ये एक एलियन स्पीशीज थी, मतलब कि इंडिया से बाहर का ये पोलन ग्रेन था। ठीक है, और ये कैसे आ गया, कंटेमिनेटेड वीट थी, हमने इंपोर्ट की। ठीक है, उसकी वजह से हमें क्या है, इंडियंस को काफी पोलन एलर्जीज हो गई थी इसकी वजह से, और इसे हम क्या कहते हैं, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज कहते हैं। ठीक है,
अब जो पोलन ग्रेन से सिर्फ एलर्जीज कॉज नहीं करते हैं, इसे हम यूज भी करते हैं, ठीक है। ये यूजफुल भी है क्योंकि इनके अंदर काफी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, किस किस में यूज होगा, जितने भी फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, सुपर फूड होंगे उसमें यूज होगा, ठीक है। या फिर जो एथलीट्स हैं वो इसे यूज करते हैं ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके, परफॉर्मेंस अच्छी करे। हॉर्स रेसेस में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी वो है खासियत है, ठीक है। अब पोलन वायबिलिटी क्या है, पोलन वायबिलिटी है कि अगर जो है पोलन ग्रेन अगर किसी स्टिग्मा के ऊपर चला गया तो वो कितना केपेबल है एक किसके बनाने में, जर्मिनेशन करने में, ठीक है। कैसे, देखो पोलन वायबिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ पोलन टू रिमेन अलाइव एंड केपेबल ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड वीट पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, ठीक है। जैसे ही पोलिनेशन होती है, ठीक है, पोलन रिलीज होते हैं वीट और राइस का, तो उनके पास सिर्फ 30 मिनट होता है कि वो जाकर किसी स्टिग्मा पर बैठे, ठीक है, वहां पर जर्मिनेशन करे, ठीक है। जिंदा रहना कितना है उनके पास टाइम है, सिर्फ 30 मिनट का उनके पास टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ कहा गया है कि जो पोलन ग्रेन्स है उन्हें हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें हम कई चीजों को प्रिजर्व करते हैं, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। तो इसी तरह पोलन ग्रेन को भी हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में, और कौन से टेम्परेचर पर, -190 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्यों करेंगे, ताकि हमारे पास हर एक स्पीशीज का क्या हो, एक पोलन ग्रेन हो, ठीक है। आपको रिसर्च करनी है या फिर आपने है मान लीजिए कोई ऐसी स्पीशीज है, रेयर स्पीशीज आपको मिल गई, ठीक है, उन्हें बचाने के लिए, ठीक है, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसके लिए आप उनके पोलन ग्रेन्स को क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, सीड बैंक करते हैं, सीड्स, डिफरेंट सीड्स हम क्या करेंगे, स्टोर करते हैं, ताकि हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम उन सीड्स को लगाकर एक नया प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा पोलन बैंक भी हम एक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का आपका टॉपिक, आज हमने मेन पार्ट आपका कर लिया है फ्लावर का। नेक्स्ट सेशन में हम आपका जो है मेगास्पोरेंजिया करेंगे, ठीक है, फीमेल पार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ में हमारी जो ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जितने भी आपके डाउट हैं किसी भी सब्जेक्ट में हम वो सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम आपका वर्चुअल टेस्ट भी लेंगे, मतलब कि 50 MCQs देंगे आपको, उससे आपका नॉलेज टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। वहां पर आपको जो है आपके लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हमारी ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।